अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लव बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो माशाल्लाह से इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इनकी ब्रीडिंग सितंबर में स्टार्ट होती है। इसमें हमारे पास पर ब्लू, क्रीमिनो और अल्बैनो की वैराइटीज़ लगी हुई हैं लव बर्ड्स की। ये हमारे दोस्त इरफान भाई हैं, उनका सेटअप है। तो माशाल्लाह से ब्रीडिंग उनके पास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही माशाल्लाह मज़े की चीज़ आप देख सकते हैं। इस तरह के उनके पास ब्रीडिंग आई हुई है। हर बॉक्स में तकरीबन अंडे तकरीबन 90% पेयर्स ने एग लेइंग कर दी हुई है। तो वीडियो शेयर करने का मकसद सर ये है कि आप दोस्तों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई जा सके। वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग पे हैं, कब इसमें से 80% समझे के बुक हो चुका है। बाकी डिटेल्स लेने के लिए, मज़ीद फर्दर डिटेल्स लेने के लिए आप इरफान भाई से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है इरफान भाई का, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं बाकी डिटेल लेने के लिए। ये सेटअप है माशाल्लाह, अभी 30 पेयर्स लगे हुए हैं अल्बाइनो के। तो लोग लोकेशन के भी पता चलो कि ये कसूर में रहते हैं, कसूर में लगे सेटअप लगा हुआ है। तो इसमें माशाल्लाह 30 पेयर लव बर्ड्स के लगे हुए हैं, जिसमें मैंने बताया कि पर ब्लू, अल्बाइनो और क्रीमिनो की वराइटीज़ लगी हुई हैं। तो माशाल्लाह से इनकी जो पेयरिंग है हमने वो की थी। पेयरिंग करने के बेसिकली दो ही तरीके होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि एक तो ये है कि आप इनको नेचुरली कर देते हैं, इकट्ठा छोड़ देते हैं, या खुद जोड़ा जोड़ा बना लेते हैं। एक बड़े केज में हम उनको इकट्ठा छोड़ देते हैं सबको, ये खुद ही जोड़ा जोड़ा बना लेते हैं। तो दूसरा तरीका जो सही ऑथेंटिक तरीका है वो है डीएनए टेस्टिंग करवाना। तो इसमें से कुछ पेयर्स की तो वैसे नेचुरली पेयर्स लग गए थे, तो बाकी के तो इरफान भाई ने डीएनए टेस्टिंग करवाई है। डीएनए करवा के जो है पेयर्स बनाए हैं, तो इस वजह से हमने फिर इनकी पेयरिंग करवाई है डीएनए से, ताकि जो सही ऑथेंटिक तरीका है उसकी वजह से पेयरिंग की थी। तो माशाल्लाह आपको जैसे पता होगा कि पेयरिंग कुछ अरसा कुछ दिन पहले करनी पड़ती है ब्रीडिंग से। जिस तरह अभी ने सितंबर में ब्रीडिंग की है, तो हम इसे महीना डेढ़ महीना पहले हमने डीएनए टेस्टिंग करा के पेयरिंग कर दी थी, ताकि ये सेटल हो जाए आपस में और ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। तो उसका भी ये तरीका होता है कि आपने पहले मेल को जो है केज में डालना होता है, उसका खाना देना होता है, उसमें 2-3 दिन पड़ा रहे बेशक, फिर आपने क्या करना है कि फीमेल को उसमें डालना है मेल के केज में। तो इस तरह से इंशाल्लाह पेयरिंग हो जाएगी। और बाकी दूसरी रही बात है इनकी डाइट वगैरह की, फीडिंग्स वगैरह की, सप्लीमेंट्स हो गए। ब्रीडिंग के लिए भी कुछ लोग काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, डाइट में चेंजिंग करनी पड़ती है। उसके ऊपर इंशाल्लाह अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। सर इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सर यह था कि आपको अपना ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आइंदा भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और आप दोस्तों को हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।